अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि मेरे भाई ने एक रिंग बनाई है जिसके अंदर मेरा नाम भी इंग्रेव किया है, जो अपने मैंने के रिंग मैंने अपने हाथ के लिए बनाई थी। और ये रिंग इस वक्त आप मेरे हाथ में देख भी रहे होंगे या उंगली के अंदर मैंने पहनी हुई है। तो बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कमेंट करके ये बात कही कि सर, अगर यही रिंग हमें, जैसे आपने हैंडमेड अपने भाई से बनवाई है, अगर हमें यही रिंग इस तरह की कोई डिज़ाइन वगैरह मैट्रिक्स में बनाना पड़े तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके बारे में हमें गाइडलाइन दें। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों को यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन आपके पास आता है या इससे कोई भी हटके यानी कोई भी रिलेटेड डिज़ाइन आपके पास आता है तो आप उसको मैट्रिक्स में इजीली कैसे बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये रिंग मेरे हाथ के अंदर है, जो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है ये मेरे भाई ने हाथ से बनाई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर इसको बनाना बताऊंगा कि इसको हम मैट्रिक्स के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से एक पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा, ताकि इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो वो आपको बनानी आती हो। लेकिन पहले यही बात कहूँगा कि पहले कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो आप लोगों को जहन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो वीडियो को इधर ही लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो वो मैं आप लोगों तक लाता रहूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके जो ये काम है इसको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूँ कि जिनके पास ये चीज़ ऊपर इस तरह से आती है, और बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, इसको हम हाइड कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास से पहले आपको ये समझा दूँ कि इसको हाइड कैसे करना है, और जो ऊपर टूल बार होती है उनको लेके कैसे आना है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट बाजू के बाद ये जो ऊपर F4 वगैरह होती है वो चली जाती है और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे नीचे, ठीक है, और यहाँ आएंगे नीचे टूल बार में। यहाँ पे आने के बाद ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक रखेंगे और नीचे आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे नहीं, चेक तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि ये देखिए ये चेक लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ से अनचेक करके और ओके करूँगा तो ये मेरा ऊपर सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से फाइल में प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से टूल बार में नीचे जाऊँगा, इसी में अब यहाँ से फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कंप्यूटर में जाऊँगा अपने। उसके बाद ई ड्राइव में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आऊँगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास ये एक्सटेंशन रखी हुई है, इस पर क्लिक करा और यहाँ से ये ऊपर आ गई मेरे पास, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ये हमारा काम हो गया, अब हम करते हैं अपने काम को स्टार्ट, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर रिंग रेल लेते हैं, ठीक है, एक रिंग रेल लेते हैं, और रिंग रेल मैं लेता हूँ यहाँ पर 18 नंबर का, ठीक है। ये मैंने 18 नंबर रिंग रेल ले लिया और यहाँ से इसको प्ले कर दिया, ये आ गया। उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट करके प्रोस्पेक्टिव में जाके हम यहाँ से सरफेस में जाके एक्सट्रूड और यहाँ से स्ट्रेट करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे। और इसको जो स्ट्रेट हम टोटल करेंगे 3 mm, क्योंकि बहुत साइड है इसलिए 3 mm की जगह 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 6 mm, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। उसके बाद हमने इसको करना है ऑफ साइड सरफेस, सेकेंड विंडो में ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस, और ऑफ साइड सरफेस हम करेंगे इसको तकरीबन 1 mm, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खाली आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ा दोबारा राइट क्लिक, यहाँ पे सॉलिड के आगे लिखा, सॉलिड को क्लिक करके आगे देखिए नो लिखा हुआ, उसको यस करें। अब आप 1 mm करें तो ये बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी आपके पास ये ऑप्शन है तो आपने यहाँ से ओके करके इसको ओके कर देना, फिर दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा ये राइनो हिस्ट्री का आपके पास। इसको राइनो हिस्ट्री मैंने बंद कर दी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट सरफेस लेनी है। उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ सॉलिड में जाके यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट सरफेस, ये मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट सरफेस ली, इस पर क्लिक करा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ से कॉपी आगे यस होनी चाहिए, नो ना हो। अगर कॉपी नो होगी तो पता क्या होता है हमारे पास, ये देखें मैंने इसकी ऊपर एक्सटेंशन सरफेस ली तो उसने अंदर से इसको खाली कर दिया, ठीक है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कंट्रोल सी किया, दोबारा एक्सट्रैक्ट सरफेस और यहाँ से कॉपी किया और यस कर दिया। अब जो सरफेस हमने ले लिया इसको अलहदा कलर कर दिया, ये वाला ब्लू वाला, ये मैंने कर दिया अलहदा ब्लू कलर, और इसको मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। ये थोड़ा ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ को भी लग रहा है ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसका इस सरफेस का लेना है स्मैश, ठीक है, एस ऊपर मैंने लिखा स्मैश, और उसके बाद राइट क्लिक और यहाँ से लेबल ऑन किया, उसके बाद जस्ट राइट क्लिक, अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इस सारी सरफेस को एक कलर दिया, ये इस कलर में आ गया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब जो ये सरफेस मैंने ली है ना, ये वाली, इसको मैं कलर अलहदा कर लेता हूँ ताकि ठीक आए ये। अब इस सरफेस का मैंने ले लेना है डुप्लीकेट बॉर्डर, कर्व में जाके यहाँ से डुप्लीकेट बॉर्डर, ये आ गया।
डुप्लीकेट बॉर्डर लेने के बाद सरफेस को मैंने हाइड कर दिया और ये मेरे पास कर्व निकल के आ गया। इसके ऊपर जब मैं काम बनाऊंगा, काम बनाने के बाद सरफेस कर्व को मैं हाइड कर दूंगा और सरफेस को ले आऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं एक सेंटर लाइन लगाता हूँ मिड में, ऐसे ये मैंने लगा ली मिड में लाइन। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इसकी एक मिड में और लाइन लगाई, इसको मैंने बोथ साइड किया ऐसे, ये यहाँ। उसके बाद मैंने एक कर्व लिया जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया, इसको नियर खोला हमने इस जगह में ऐसे। उसके बाद इसको हमने किया ये वाली कमांड से मिरर ऐसे, फिर इसको राइट क्लिक और इस कर्व के ऊपर चलाया ऐसे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने किया ज्वाइन और हल्का सा मैंने किया बारीक ऐसे, ये मैंने बारीक कर दिया, ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस वाले कर्व को लेकर अलग कलर कर देंगे हम, ठीक है। ये कलर हमारा, इसको हमने हाइड किया यहाँ पर, इन दोनों के इसको मैंने किया ब्लास्ट और इसके दरमियान में एक कर्व ले लिया, ठीक है, एक कर्व इसके सेंटर में ले लिया ऐसे, और इसके सेंटर में हमने कर्व लगाया इस जगह मिड में, और इस थ्रू फिंगर में जाके इसकी हाइट हमने कर ली यहाँ से 1 mm, ये मैंने 1 mm हाइट कर ली, 0.8 मैंने हाइट करी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कर्व लिया ऐसे यहाँ रखा और इस कर्व के साथ ऐसे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ये कर्व हमने ये ले लिया, ठीक है, हमारे पास ये कर्व आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉफ्ट होता है हमारा या ये, हमने ये देखिए लॉफ्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके हो गया। अब हमने उसके बाद क्या करना है, इस सरफेस को लिया यहाँ पे मिरर, ठीक है, ये वाली कमांड से इधर और ऐसे मिरर, इसको किया ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसको यहाँ से दोबारा मिरर और एंड पकड़ा और इसको यहाँ मिला दिया ऐसे, अभी हमारा मिरर हो गया। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने इसको सॉलिड में जाके यहाँ से कैप लेना किया, अब पीछे से ये बंद हो गया, बिल्कुल हमारा यह काम कंप्लीट हो गया। इसको मैंने अनसेलेक्ट किया सर, इसको भी अनसेलेक्ट किया, जो कर्वे थी मैंने उनको हाइड कर दिया, कलर मैंने चेंज कर लिया ताकि नजर आए हमें क्लियर। अब हमने यह करा, जो हमारे पास कर्व थे वो हमने खोल लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया यहाँ से स्केल 1D, ठीक है, यहाँ पॉइंट रखा, इसको मैंने यहाँ से ऐसे दबा दिया, ये चीज़ यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा और छोटा कर दिया यहाँ से स्केल 1D करके, इसके बिल्कुल लेवल पे ले आते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पर पहले इसके यहाँ पर रखते चले। अब इसको हम डुप्लीकेट करके देखते हैं, ये इसको हम पहले यहाँ लेके आते हैं इस जगह पर, ठीक है, इसके एंड पे रखते हैं इस जगह पे ऐसे, ठीक है। ये मैंने एंड से एंड मिलाया इसका यहाँ पर, ये ऐसे इस जगह पे मैंने ये मिला दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया ऐसे, इसको मैंने हल्का सा नीचे किया ऐसे, यहाँ पर स्केल 1D, ठीक है, इसको मैं इस जगह पे लाया और यहाँ से मैंने हल्का सा नीचे कर दिया ये चीज़। अब मैंने डुप्लीकेट लिया इसका, यहाँ से डुप्लीकेट लेके मैंने इसको यहाँ मिलाया ऐसे, तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब हमें इससे आइडिया मिलेगा कि हमने इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, तो राइनो स्वी ऑन करें, यहाँ से डुप्लीकेट लें दोबारा, इसको मैंने यहाँ लगाया ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने राइनो यहाँ से स्केल 1D पकड़ा और इसको मैंने हल्का सा छोटा किया ऐसे, ये छोटा हो रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से और छोटा किया ऐसे, ये चीज़ स्केल 1D। उसके बाद मैंने इसको दोबारा और ऐसे दबा दिया, ये चीज़। अब हल्का सा बड़ा करते हैं इसको ताकि ऊपर क्लियर हो जाए हमारा, ये चीज़, और स्केल 1D हमारा इसको हल्का सा ऐसे, ये चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट, इसको दोबारा लेते हैं और यहाँ से हम डुप्लीकेट ऐसे, यहाँ पे इस जगह पर हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ही पकड़ के हल्का स्केल 1D मार देते हैं, ठीक है, ऐसे, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को लिया मैंने, प्लास्टिक व्यू किया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैंने डुप्लीकेट लेके मैंने इसको यहाँ पे लगाया ऐसे, ये, ठीक है, इस जगह पे लगाया, और एक को हमने डुप्लीकेट लेके इस जगह पे लगाया, इसके इस जगह पे लगाया ऐसे, ठीक है, ये लगा दिया मैंने इस जगह पे, और एक को मैंने इसको मैंने डुप्लीकेट लिया यहाँ पर, इसके ऐसे लगाया, ठीक है। उसके बाद एक डुप्लीकेट मैंने लिया इसके सेंटर में ऐसे लगा दिया, यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब एक मैंने डुप्लीकेट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैंने डिलीट करता हूँ फिलहाल, और इसके बाद हमने करना ये है कि हम यहाँ पे जाके सेकंड विंडो में ये वाली कमांड लेते हैं, इसको बोलते हैं अरे लीनियर, इस पर क्लिक करा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमने सरफेस बनाई हुई है खाना, इसके अंदर आपने कितनी तादाद लगानी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल 30। उसके बाद वो कह रहा है फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट चलाना कहाँ से है, हम यहाँ से चलाते हैं और इसको शिफ्ट दबा के ऐसे यहाँ के बजाय इसको यहाँ पे रखते हैं, दोबारा राइट क्लिक 30 एंटर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे रखा इस जगह, ये चीज़। अब देखना ये कि बाहर नहीं कर रहा, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है हमारा, ठीक है, तो हम इसकी जगह 20-25 कर लेंगे एंटर, ठीक है। उसके बाद ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। और इसके बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया डिलीट,
इसको हल्का सा हम छोटा भी अभी कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको लिया, यहाँ से डुप्लीकेट लिया और इसको मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया। फिर हमने एक और डुप्लीकेट लिया, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने इसको चेक करना है कौन कौन से हम इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा ताकि मुझे पता हो। ठीक है, इसके बाद मैंने ये डुप्लीकेट लिया, ये मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये डुप्लीकेट यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने इसको लिया। उसके बाद ये लीनियर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पर हमने इसको ऐसे चला दिया इसके साथ, सॉरी इसके साथ पॉइंट रखा और यहाँ से पॉइंट यहाँ पर लाया ऐसे। ये हमारा आ गया यहाँ पर, बाकी जितना भी है मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मेरा डिलीट हो गया। ये कर्वे अभी हमारे इसको हम सेट करेंगे यहाँ। उसके बाद हमने इसको लिया डुप्लीकेट दोबारा से और एक यहाँ पे रखा पॉइंट, एक हमने पॉइंट यहाँ पे रखा, फिर डुप्लीकेट लिया और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे रखा। क्योंकि मैं इसको मैनुअल इसलिए बना के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और उनको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी पेश आती है, इस वजह से मैं इसको वन बाई वन आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको सारे को सिलेक्ट किया यहाँ से ऐसे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म स्केल 1D। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा छोटा कर दूँगा यहाँ से जाके ऐसे, इस जगह मैं ले आया। ठीक है, बाकी जो होगी हमारी यहाँ से डुप्लीकेट लिया, इसको हम दोबारा एक यहाँ पर लगा देंगे ऐसे, इसको एक लगा दिया हमने यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये हमारा लग गया। एक हमने यहाँ से डुप्लीकेट लिया और इसको हमने लगा दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ से पकड़ा और यहाँ एंड से एंड मिला दिया, ये लग गया। अब हमारा ये और सारा काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, हमने इसको एक कलर दिया यहाँ से, ये चीज़। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ समझाई है। अब जो हमारा बाहर का बॉर्डर था ना, जो कर्व था, उसको हम करेंगे यहाँ से सरफेस। ठीक है, एक्सट्रूड सरफेस, दो तरीके हैं इसके। यहाँ से मैंने ये सरफेस बना दी, कर्व को हाइड कर दिया। अब या तो आप इसे यहाँ से गेज दे सकते हो बाहर की तरफ, ठीक है, ऑफ साइड सरफेस कर ले, सेकेंड विंडो में जाके हमने ऑफ साइड सरफेस किया बाहर की तरफ इसको, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी जाए आप करें। इसको 0.8 मैंने कर दिया। ठीक है, या सुप्लिट करना चाहें तो सुप्लिट भी कर सकते हैं आप। अब इसको हमने पकड़ा सरफेस को, ठीक है, सारी को, उसके बाद सॉलिड में जाके ये वाली कमांड डिफरेंस की, उसके बाद इसको लिया और राइट क्लिक दबा दिया, तो जितना भी हमारा बाहर से काम है सारा ऑटोमेटिक यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से बिल्कुल सॉलिड हमारा आ जाएगा। अगर तो ये काम मैं यहाँ से सुप्लिट करता तो ये चीज़ें खाली हो जाती, फिर आपको यहाँ से कर्व लगा के फिर होल करना पड़ता, वो लंबा काम हो जाता हमारा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डिफरेंस कर दिया। अब इसको लिया मैंने यहाँ से, इसको ये सारा मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, हमारा एक चीज़ हमारी ये बन चुकी है। अब जो इसके अंदर की कर्व थे वो सारे मैंने बंद कर दिए, इस कर्व को ग्रीन वाले को मैंने हाइड कर दिया। अब ये बन के मेरे पास आ चुका सारा काम। अब मैंने इसको लिया यहाँ से ग्रुप करा, या कंट्रोल आप क्यू दबा के ग्रुप कर सकते हैं। अब असल काम हमारे सरफेस का है ये वाली का और इस वाली सरफेस का जो हमने हाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और सेकेंड विंडो में जाना है और ये वाली कमांड लेनी है, इसको बोलते हैं फ्लो लॉन्ग सरफेस। इस पर करना है क्लिक और लिखा हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो लॉन्ग सरफेस। ऑब्जेक्ट हमारा ये है जो हमने बनाया सारा, इस पर राइट क्लिक दबाया और फिर एंटर कर दिया। उसके बाद बेस सरफेस सेलेक्ट नियर अ कॉर्नर, ठीक है, आपको कह रहा है सेलेक्ट सरफेस। अगर हमारे पॉइंट्स ऑन ना होते तो जो सरफेस हमारी है इसकी हम कॉर्नर पकड़ते। ठीक है, मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ, ये कॉर्नर हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस सरफेस से कॉर्नर पकड़ते। लेकिन क्योंकि अब हमने पॉइंट्स ऑन किए हुए हैं तो हम पॉइंट्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ ध्यान से बड़ा, सिफर पर क्लिक, ये सिफर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से भी मैं सिफर पर क्लिक करूँगा बहुत ध्यान से। अब थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ से इसको मैंने खोला, अभी थोड़ा वेट करते हैं। ये सरफेस, ये देखिए, अब मैंने इस सरफेस को हाइड किया और इस सरफेस को भी मैंने हाइड किया, तो अब ये देखिए सारा काम मेरा यहाँ पे अप्लाई होकर आ चुका है। इसको मैंने ग्रुप कर दिया था पहले ही, इसको मैंने अलग कलर देखिए ये बंद कर दिया और जो नीचे की सरफेस थी वो मैंने यहाँ पर खोल दी। तो ये देखिए, ये हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट, कोई ख़राबी नहीं आई कहीं से, कोई चीज़ कुछ भी ख़राब नहीं हुआ और ये हमारा परफेक्ट बन के यहाँ पर आ चुका है। अब इस कमांड को यूज़ करते हुए आप इस सरफेस के ऊपर कोई भी जाली बना के इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मैंने तो आपको ये चीज़ बताई है। तो ये वो रिंग थी जो मैंने अपने हाथ में पहनी हुई है और आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ इसका आइडिया भी शेयर किया कि इसको हम मैट्रिक्स में कैसे बना सकते हैं। अब आप लोगों का अपना जहन है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कितना बना के कितनी देर में आप कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में जो चीज़ मैंने आपको समझाई, जो पॉइंट आपको बताए, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ सीखते हैं उसको अगर हम डिले करते हैं ना, जैसे हम आधे घंटे बाद कर लेंगे, दो घंटे बाद कर लेंगे, तो वो चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें जो चीज़ भी हो उसको फटाफट उसी टाइम अप्लाई करने की कोशिश किया करें ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए। और जो बाकी प्रैक्टिस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस किया करें, प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा काम की, ताकि प्रैक्टिस करने से ये होता है कि इंसान के जहन खुलता है और बहुत सी चीज़ें इंसान को सीखने को मिल जाती हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगा एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी चीज़ के साथ।
अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बैंगल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, एक के स्केच के ऊपर हमारा हम बैंगल कैसे बना सकते हैं, उसका घाट वगैरह डिज़ाइन वगैरह कैसे बनाएंगे, उसकी डिवाइडेशन हम कैसे निकालेंगे। जस्ट मेरे पास एक स्केच होगा और स्केच के ऊपर मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि हमने काम को कैसे बनाना है, ठीक है, कंप्लीट सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो रिंग मैंने आपको बताई है इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसमें क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को इसमें सीखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।